आज बात कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस का आज 136वां स्थापना दिवस है। पार्टी अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ये वक्त पार्टी के नेताओं के लिए आत्मचिंतन, आत्मावलोकन और आत्ममंथन का है। इस मानसिकता से बाहर निकलने का है कि मेरे दादा पहलवान थे, क्योंकि दादा गुजर चुके हैं, अब जंग खुद ही लड़नी है। बात राजस्थान की भी, क्योंकि कांग्रेस के लिए राजस्थान बड़ी उम्मीद की किरण है। यहाँ करीब करीब यह तय हो चुका है कि पार्टी के राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अब राष्ट्रीय महासचिव बनकर दिल्ली जा रहे हैं। राहुल गांधी एक बार फिर से अगले महीने जनवरी या फरवरी में कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और सचिन पायलट उनके मजबूत सिपहसालार के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनेंगे, क्योंकि सचिन पायलट अब राजस्थान में अशोक गहलोत के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि अपने 4 वरिष्ठ सहयोगियों को कैबिनेट का दर्जा दिलवा जाएं। विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को जिस तरह से बर्खास्त किया गया था, वो चाहते हैं कि उनकी बाइज्जत बहाली हो। हालांकि इस बात को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार विरोध कर रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने जानबूझकर संयम लोढ़ा के कार्यक्रम में ये कहा था कि हमें सरकार बचाने के लिए मंत्रियों को बर्खास्त करनी पड़ी, तब जाके सरकार बची थी। इसके अलावा यह भी चाह रहे हैं सचिन पायलट कि उनके जो 2 साथी और हैं जो काफ़ी वरिष्ठ हैं, दीपेंद्र सिंह और हेमाराम चौधरी, उनको भी कैबिनेट मंत्री बनवाएं, जो धुर विरोधी माने जाते हैं अशोक गहलोत का। अशोक गहलोत उन्हें भी नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन जब सचिन पायलट राष्ट्रीय महासचिव बनकर दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि पार्टी इन 4 नेताओं के नाम पर मान जाए। इसके अलावा राज्य मंत्री और संसदीय सचिव भी बनाए जाएंगे, इनके साथ जो विधायक गए थे, और कुछ लोगों को राज्य में पार्टी के संगठन में रखा जाएगा, कुछ लोगों को अपने साथ लेकर सचिन पायलट दिल्ली जा सकते हैं। लेकिन सचिन पायलट एक बार फिर से राजस्थान की राजनीति में वैसे ही सक्रिय रहेंगे जैसे पहले सक्रिय थे। इस बार अशोक गहलोत की जगह वो कहेंगे, थासु दूर कोनी, आप लोगों से मैं दूर नहीं जा रहा हूं, आप लोगों से दूर नहीं हूं। यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि राजस्थान में अगले विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट को राजस्थान की कमान दे दी जाए, क्योंकि अगर पार्टी जैसा कि हर जगह करती है और हर पार्टियों में होता है कि अगर सर्वे कराती है और इस तरह से लगता है कि लोकप्रियता सचिन पायलट की ज़्यादा है और उनके रहने से जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसे दूर किया जा सकता है, तो सचिन पायलट को यहाँ पर लाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल सचिन पायलट यहाँ पर अशोक गहलोत के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे। एक बार पद छोड़ने के बाद फिलहाल अशोक गहलोत भी पार्टी का पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाएगा और सचिन पायलट को भेज दिया जाएगा, लेकिन सचिन पायलट फिलहाल मूड बना चुके हैं कि अब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव बनकर दिल्ली जाएंगे और वहां पर देश भर की राजनीति करेंगे और साथ साथ राजस्थान पर भी पैनी नज़र रखेंगे, राजस्थान आते जाते रहेंगे और इंतज़ार करेंगे कि कब अशोक गहलोत इस पद को छोड़े और वो इस पद पर आए। हालांकि उनका कहना है कि अभी काफ़ी ज़्यादा वक्त है, उनके पास उम्र भी है, ऐसे में इंतज़ार किया जा सकता है। अशोक गहलोत अगर पार्टी का पद नहीं भी छोड़ते हैं तो बमुश्किल 3 साल से ज़्यादा का कार्यकाल नहीं है उनका, एक उम्र भी हो चुकी है और वहाँ पर हो सकता है कि केंद्र में उनकी सेवाएँ ली जाए, ऐसे में सचिन पायलट के लिए एक मौका है। तो कहा जा सकता है कि राजस्थान से कांग्रेस को एक उम्मीद दिख रही है, अशोक गहलोत के रूप में भी, सचिन पायलट के रूप में भी, और इसीलिए यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होने वाली है उसे कहीं राजस्थान में ही कराया जाए, जयपुर में, उदयपुर में या जैसलमेर में। लेकिन यह बात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खल गई कि स्थापना दिवस से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी छुट्टियां मनाने के लिए इटली चले गए, क्योंकि पार्टी इस मौके पर बड़े जलसे का आयोजन करने जा रही थी, किसानों के पक्ष में संघर्ष करने जा रही थी। ऐसे में अगर राहुल गांधी साथ होते तो मनोबल जरूर बढ़ता। स्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।